हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, आज जो हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनका एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का कोई फेक क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी प्रकार से एनालिसिस मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल हमारा एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछा गया था, देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारा अनुच्छेद 148 है उसमें बताया गया है कैग के बारे में। तो दोस्तों, जो कैग की फॉर्म फुल फॉर्म होती है दोस्तों, वो होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 कै के ए में क्या बताया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जो हमारा आर्टिकल 51 कै है और उसके ए में संविधान एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना बताया गया है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको 51 कैसे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रख लेने हैं दोस्तों। देखिए, जैसे कि हमारे जो 51 क्या में क्या बताए गए हैं, 51 क्या में हमारे बताए गए फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, ये कब जोड़े गए आपको ध्यान रख लेना है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़े गए। और कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, USSR से लिए गए हैं, आपको ध्यान में रखना है। और उस टाइम पर किसकी सरकार थी आपको ये भी ध्यान रखना है, उस टाइम पर इंदिरा गांधी की सरकार थी, आपको ध्यान रखना है। और जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वे संविधान के किस भाग में आते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है, ये जो हमारे भाग 4 कै में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज़ से बनने वाले जितने भी सवाल थे मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल किस प्रकार से पूछा गया था, देखिए, गंगोत्री से कौन सी प्रदूषित नदी निकलती है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो होता है गंगा। और दोस्तों, जो गंगोत्री है वो कहाँ पर पड़ता है, ये दोस्तों पड़ता है उत्तराखंड में, ये एक प्रकार का ग्लेशियर है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है। और दोस्तों, यहाँ से एक और ग्लेशियर है जहाँ पर है यमुनोत्री दोस्तों। यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है आपको ध्यान रखना है, यमुनोत्री से निकलती है गंगा की सहायक नदी, यानी कि यमुना यहाँ से निकलती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला सवाल किस प्रकार से पूछा गया था, देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। तो दोस्तों, जो हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों, बताया गया है अनुच्छेद 112 में। और दोस्तों, आपको कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल ध्यान रखने हैं, जैसे संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में बताया गया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। जो हमारा जॉइंट सेशन है वो बताया गया है दोस्तों आर्टिकल 108 में। और कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, और जो इसकी अध्यक्षता है वो करते हैं लोकसभा स्पीकर, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और दोस्तों, आपको एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल और ध्यान रखना है, जैसे धन विधेयक, धन विधेयक किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 110 में बताया गया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। अगर किसी विलयन का पीएच मान 2.4 हो तो विलयन की प्रकृति होगी। तो दोस्तों, विलयन की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, अम्लीय होगी। कैसे, देखिए दोस्तों, जो हमारा पीएच पैमाना है वो कैसे काम करता है, पीएच पैमाने में हमारा यहाँ पर होता है बीच में 7 और यहाँ पर होता है 14 और यहाँ पर होता है 0। मैं आपको बता देता हूँ, 0 से 7 से लगाकर जितनी भी वैल्यू होगी वे होगी दोस्तों अम्लीय, आपको ध्यान रखना है। और जब किसी विलयन की पीएच मान 7 हो जाएगी, वहाँ पर आने पर हो जाएगा उदासीन। और 7 से लगाकर 14 तक पीएच मान वाले विलयन की जो प्रकृति है दोस्तों वो हो जाएगी अक्षारीय, आपको ध्यान में रखनी है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। 1950 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे। तो दोस्तों, ये आए थे सुकर्णो, और सुकर्णो कौन थे, उस टाइम के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था एग्ज़ाम में। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों, जो हमारा धावन सोडा है उसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3, और इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, आपको ध्यान रखना है। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, आपको कुछ और इम्पोर्टेंट सूत्र याद रखने हैं, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ बेकिंग सोडे का क्या सूत्र है, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको ध्यान रख लेना है, बेकिंग सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है दोस्तों NaHCO3, इसी को हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। और दोस्तों, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ भुजा चूना,
बुझे चुने का सूत्र क्या हो जाएगा, बुझे चुने का सूत्र हो जाएगा दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से एक होता है बिना बुझा चूना, यानी कि बिना बुझा चूने का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा CaO, आपको ध्यान रखने का एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। CH3OH का अगला सजातीय क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ CH3OH होता क्या है। तो दोस्तों ये होता है मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल होता है दोस्तों। और जो इसका अगला सजातीय होगा वो क्या होगा, वो होगा दोस्तों C2H5OH, आपको ध्यान रखना है। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल, आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। द्रविड़ परिवार की भाषा निम्न में कौन सी है? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो हमारे द्रविड़ परिवार की भाषाएँ हैं वे कौन कौन सी है। देखिए एक तो होती है कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम, ये जो हमारी भाषाएँ हैं ये द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। दोस्तों 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों जो हमारी 11वीं अनुसूची है उसमें टोटल 29 विषय हैं। और यह है 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, ये दोस्तों जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी दोस्तों। और दोस्तों ये लागू कब हुई थी, ये दोस्तों लागू हुई थी आपको ध्यान रखना है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। 1919 से 1922 तक कौन से दो आंदोलन चले? तो दोस्तों 1919 तक और 1922 तक असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन चले। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला, आपको ध्यान रखना है ये चला है दोस्तों 1920 से 1922 तक। इसी प्रकार से खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला, आपको ध्यान रखना है जो हमारे खिलाफत आंदोलन है दोस्तों ये चला है 1919 से दोस्तों 1921 तक चला, आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। फैराडे के नियम पर कौन कार्य करता है? तो दोस्तों जो हमारे विद्युत जनित्र और ट्रांसफार्मर है ये दोनों फैराडे के नियम पर कार्य करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से यह एनालिसिस था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।